दिस इज माय जेन्युइन रिक्वेस्ट। आप इतनी सारी बातें मानते हैं अपने टीचर्स की, मैं एक बोलूंगा कि एक बात और मानना स्टार्ट कर दीजिए। अभी टाइम है, करीबन आपके पास 2 महीने हैं, आप विश्वास कीजिएगा कि यस, डाउट मत रखना उसमें, क्योंकि अगर तुम ही डाउट है तो फिर दुनिया तो डाउट कर करके तुम्हें पीछे कर देगी। बिकॉज सर, हम इतने शिद्दत से, इतने दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं कि हमने अपने आप से वादा किया है, जीतने का इरादा किया है। ये तो बहुत मामूली सा है, कुछ नहीं ज्यादा किया है। जब हम जीत के आएंगे तो कुछ लोगों के चेहरे, समझ गए होंगे आप कौन से वो लोग हैं, धोने का इरादा किया है, फेस वॉश। क्योंकि सबसे पहले जब आप रिजल्ट बताओगे तो घर वाले हैप्पी होंगे, दोस्त लोग खुश होंगे, परिवार में जो भाई दीदी वो हैं वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। जो अपने बगल वाले थे, जो जानना चाह रहे थे कि ये फेल हो गया, उनको जब बताओगे तो उनका चेहरा उतर जाएगा। तो आपको क्या करना है, फेस वॉश से उनका मुंह धो देना है। बोले खुश हो जा भाई, काहे टेंशन ले रहा है। इफ यू आर हैविंग एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यू तो विदाउट एनी सेकंड थॉट, बिना दिमाग में कुछ लाए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी, उसके बाद में सारी चीजें आती है, समझ में आया। क्योंकि अगर हम सही हैं तो फिर सारी चीजें सही भी होती हैं, और नहीं भी हो तो उनको सही बनाया जा सकता है। बट सर, अगर हम अंदर से ही पॉजिटिव फील नहीं कर रहे, या फिर हम किसी सिकनेस से गुजर रहे हैं, तो जरूर एक बार डॉक्टर को दिखाइए प्लीज। दिस इज माय जेन्युइन रिक्वेस्ट। आप इतनी सारी बातें मानते हैं अपने टीचर्स की, मैं एक बोलूंगा कि एक बात और मानना स्टार्ट कर दीजिए। अभी टाइम है, करीबन आपके पास 2 महीने हैं, आप विश्वास कीजिएगा कि यस, दिस रिजल्ट, दिस एनालिसिस भी अगर आप करते हो तो वेरी हेल्पफुल, वेरी फ्रूटफुल। माय रिक्वेस्ट प्लीज, माय रिक्वेस्ट। कोई अगर नहीं भी मानने की सोच रहा है कि बोले सर ये सब तो फालतू की बातें हैं, तो 2 या 3 के लिए एक बार करके देख, बिना मन मारे, मतलब मन मारे कि हमें किसी ने कहा है, वो समझदार इंसान है, हमारे टीचर है, तो एक बार मान लेते हैं। बोले आई एम एग्रीइंग, जो लोग नहीं मानने की स्थिति में, मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं एग्री करता हूं कि आप लोग इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बट एक बार करके देखिए, 2 या 3 का तो मिनिमम करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा आपको, ये सब बातें याद रहेगी जब आप नेक्स्ट टेस्ट में देने जा रहे हो, तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आएगा अपने आप। वो जो इंप्रूवमेंट हमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही करना था, जितनी हम तैयारी, मैंने इसमें कहीं पर भी वर्ड नहीं जोड़ा कि आपकी तैयारी कहां कम थी, कितने चैप्टर आप छोड़ के गए, वो सब नहीं। वो तुम्हें पता है कि तुम्हारी तैयारी क्या कर रही है और तुमने कितनी की है, वो सब नहीं लिखवाया। तुम्हें जितना आता था उसमें से तुम कितना स्कोर कर पाए, दैट इज एनालिसिस। जो आता ही नहीं था उसमें से कैसे स्कोर करेंगे सर। पढ़ते रहो, स्टे मोटिवेटेड। किसी के भी बात में नहीं आना है, आपको सिर्फ अपनी चीजें ढंग से एग्जीक्यूट करनी है, और जैसा कि मैंने बोला, एनालिसिस जरूर कीजिएगा। एक एक शीट बनानी स्टार्ट करो, मेरे बोलने पर करिए, उसके बाद में आप खुद करेंगे, देखना। इट विल टेक अराउंड 1 to 2 hours, 2 घंटे लगेंगे आपको इस ये करने में, तो इसमें आप ये स्पेंड कीजिए, क्योंकि आप जो करके आए उसका एनालिसिस अगर आप खुद ही कर दे रहे हो, इससे बढ़िया बात।